आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 70। लेकिन मैं आप लोगों को सारी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जिसमें ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो करने से आपके बाकी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 17 है ना बेटा, इसमें आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट आएगा, फॉरेन बिजनेस इनकम आएगी, जो इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं थी। फॉरेन बिजनेस इनकम इसमें आएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 है मिस आमना कलर, प्रॉब्लम नंबर 17 है। सबसे पहले देखेंगे आपके पास बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपीस। बेसिक सैलरी बेटा फुली टैक्सेबल है, बेसिक सैलरी 10 लाख रुपीस फुली टैक्सेबल है। उसके बाद बेटा बोनस है 1,20,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद ओवर टाइम पेमेंट है 60,000 कमीशन रिसीव अदर देन एम्प्लॉयर, इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं ना है, अदर देन एम्प्लॉयर जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उसके अलावा कहीं और से कमीशन आपको मिल रही है, ये कमीशन जो अदर देन एम्प्लॉयर से मिलती है बेटा ये एफटीआर में लिखी जाती है, इस पर 25% टैक्स होता है। अदर देन एम्प्लॉयर से जो कमीशन मिलती है ये एफटीआर में लिखी जाती है, इसका 25% टैक्स होता है। लीव फेयर असिस्टेंस, रिटर्न टिकट्स का मिल जाना या लीव फेयर असिस्टेंस का मिल जाना, दैट इज फुली टैक्सेबल विद इन पाकिस्तान। विद इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो, इसे टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 30,000 है बेटा, फुली टैक्सेबल होगा। उसके बाद 6 वाली आइटम लिखी हुई है कन्वीनियंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड की गई है। जब पर्सनल यूज के लिए कार प्रोवाइड की जाएगी तो कार की वैल्यू का 10% लिया जाएगा। जी लीव फेयर असिस्टेंस ट्रैवल विद इन पाकिस्तान कन्वीनियंस प्रोवाइडेड, कन्वीनियंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज द अमाउंट ऑफ लीजिंग रेंटल पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 70,000। लीज रेंटल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कन्वीनियंस की वैल्यू से कंसर्न है बेटा। The fair value of the car at the commencement of the lease was 8 lakh. Car की value कितनी है? 8 lakh रुपया। Conveyance provided for personal use. Conveyance provided for personal use 8 lakh है बेटा? Yes sir. Yes sir. कन्वेंस की वैल्यू का 10% 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं कहता जी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने रिसोर्सेज से तो फुली एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अब वो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है और आपसे कुछ नहीं ले रहा, फ्री प्रोवाइड कर रहा है, फुली टैक्सेबल। फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड की अमाउंट कितनी मिला 28,000 उसके बाद बेटा एट आइटम है इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके इसी वजह से हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर फॉरेन बिजनेस इनकम आ गई है फॉरेन बिजनेस इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखी जाएगी उसको मार कर लें टैक्स पेड इन यूके लिखा हुआ है फॉरेन बिजनेस जो आपने दूसरे मुल्क में टैक्स पे किया वो दिया हुआ है आपको इसके बदले में तो टैक्स क्रेडिट उसे मिलना है लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस तो याद रखें पाकिस्तान सोर्स बिजनेस से लॉस हो चाहे करंट ईयर का चाहे प्रीवियस ईयर का वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होता है करंट ईयर के बिजनेस के प्रॉफिट में से लॉस क्या करना है माइनस करना डिडक्ट करना है उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम लिखी हुई है बेटा प्रॉपर्टी इनकम इनकम प्रॉपर्टी में लिखी जाएगी उसमें से देखें कलेक्शन चार्जेस माइनस हुए हुए हैं और वाइट वॉश चार्जेस मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल के लिए और एसोसिएशन के लिए जो एक्सपेंसिस माइनस हुए हैं ये अलाउड नहीं है तो हमने ग्रॉस अमाउंट लिखनी है प्रॉपर्टी वो 3 लाख रुपीज है बेटा तो 3 लाख रुपया ही टैक्सेबल हो जो एक्सपेंसिस माइनस करके लिखा हुआ नेट अमाउंट ये नहीं लिखनी है एक्सपेंसिस माइनस करने की इजाजत नहीं है उसने बेशक माइनस करके 2,70,000 लिखा हुआ है लेकिन हमने उनको वापस ऐड करके 3 लाख ही लिखना है प्रॉपर्टी हमारा इनकम प्रॉपर्टी में आएगा उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेड की यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हम इनकम टैक्स का मेडिकल कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का नहीं कर रहे यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस तरह वाटर चार्जेस पे वो भी एक्सपेंस है वाटर चार्जेस का वो करंट ईयर के हो या पिछले साल के करंट क्या एक ईयर करंट हो या सबका हो पुराने हो इनका कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं है एक्सपेंसेस हैं उसके बाद है ज़कात सॉरी एडवांस टैक्स ऑन रेंट रेंट क्या होता है इनकम रेंटल इनकम पर टैक्स एडवांस में पे किया हुआ बेटा ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आता है रेंट का टैक्स इनकम टैक्स होता है रेंट क्या है इनकम है आपकी उसका जो टैक्स है वो इनकम टैक्स है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आता है उसके बाद बेटा ज़कात डिडक्टेड आप जानते हैं टोटल इनकम में से माइनस होकर सिलेक्ट हो उसके बाद है इसको मार कर दें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी वाली कहता है एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2020 जकम जुलाई 2020 के बाद आपने ये प्रॉपर्टी ली है इमूवेबल प्रॉपर्टी अब उसको बेच कर गेन हुआ है आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको गेन हुआ है लेस देन 1 ईयर होल्ड कितने देर किया है एक्वायर्ड कब किया है कहीं कब है जकम जुलाई 2020 के बाद हमारा साल कब खत्म हो रहा है 30 जून 2021 तो इसका मतलब हुआ एक साल से कम अरसा होल्ड किया और बेच दिया आपने एक साल से कम होल्ड किया और उसे आपने बेच दिया तो क्या मतलब हुआ इसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है ये अमाउंट 100% टैक्स कितना टैक्स लगेगा आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का और ओपन प्लॉट का टैक्स रेट है 8.5% 50 लाख तक गेन होना तो उस पर टैक्स कितना है 2.5% हमारा कैपिटल गेन की आइटम बेटा शेयर फ्रॉम यू भी आप जानते हैं टोटल इनकम ऐड होती है उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड प्रीवियस कोई टैक्स होगा वो आपने ज़्यादा पे किया हुआ है आपको रिफंड मिल गया है रिफंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है मतलब डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी डिस्पोजल का मतलब बेचना प्राइवेट कंपनी के शेयर बोनस शेयर को बेच कर गेन होगा तो ये कैपिटल गेन भी आएगा और इसके बारे में आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर 1 ईयर से कम होल्डिंग पीरियड है तो फुली टैक्सेबल है और अगर 1 ईयर से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है बोनस शेयर का प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का तो 25% एग्जेम्पशन होती है प्राइवेट कंपनी के शेयर हों बोनस शेयर हों एंटीक्स हों ज्वेलरी हों पेंटिंग हों मेडिलियंस हों उन पर कैपिटल इन कैपिटल मार करने मेरा होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर स्पेंड ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर एम्प्लॉयर ने पैसा खर्च किया बेटा कितना पैसा खर्च किया 10,000 रुपीज फुली एग्जाम एम्प्लॉयर ने पैसा खर्च किया एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में फुली एग्जाम बात क्या लिखा हुआ देखिए बुक पे भी साथ साथ ध्यान रखेंगे तो समझ आना है सिर्फ नोट करने से समझ नहीं आनी मैं बार बार कह कह के थक गया हूँ सॉल्यूशन बुक में भी दिया हुआ है फॉर्मेट मैंने पहले समझा दिया हुआ है करने का तरीका देखना है आपने व्हाइट बोर्ड पे ना सिर्फ नोट करके यहाँ से करना है आप क्या लिखा हुआ फेयर
furniture having fair market value of 2 lakh for rupees 1,50,000. वो furniture जो जिसकी market value 2 lakh थी, आपको वो 1.5 lakh में दे दिया गया, 1,50,000 में दे दिया गया. Furniture provided at less than fair market value. फेयर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर दे दिया गया है. फेयर मार्केट वैल्यू से तो फर्नीचर जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 2 लाख, वो कंपनी ने आपको कितने में दे दिया? 1,50,000. कोई भी चीज जो फेयर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर आपको मिलेगी वो आपको बेनिफिट है. तो यहाँ पर 50,000 का मेरा बेनिफिट है और ये फ्री टैक्स एक्सेप्टेबल हो जाएगा. उसके बाद अगर आप तरतीब से आगे चले तो आपको लिखा हुआ जी मार्क ऑफ पेड ऑन लोन ऑन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस. तो ये बिल्कुल एवरेज लीफ के आइटम, टोटल इनकम है जो माइनस होने वाली आइटम है. चिल्ड्रन एजुकेशन फीस 2 लाख रुपीज़ है, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी अगर उसकी इनकम जो है वो 10 लाख तक हुई तो, या 15 लाख तक. सॉरी, कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप पेंशन फंड, इस पर भी एवरेज लीफ मिलेगी. ये तीनों चीज़ें एवरेज लीफ वाली हैं. तो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ जी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल. टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी है और टैक्स पेएबल बेटा हमने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ तक बेटा टोटल देने शाबाश. तो क्या देंगे टोटल सैलरी इनकम, टोटल सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया. यहाँ तक टोटल सैलरी इनकम है बेटा 13,68,000. टोटल सैलरी इनकम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम आती है जिसको मार के बाद हमको देख सब पूछा बचा. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेटा जिनको मार के बाद प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख रुपया है, रेंटल इनकम होती है. रेंटल इनकम 3 लाख है. इसके अलावा और कोई बेटा प्रॉपर्टी इनकम नहीं है. प्रॉपर्टी टैक्स पेड है वो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होनी, एक्सपेंडिचर की तरह है, इसकी कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होनी. फिर कहा एडवांस टैक्स ऑन रेंट पेड, ये मैंने बताया टैक्स जनरली रेंट सोर्स में आता है. तो प्रॉपर्टी इनकम बस 3 लाख ही है बेटा. इसके साथ क्या लिखते हैं बेटा हम टैक्स सेपरेट अंडर सेपरेट लॉ. प्रॉपर्टी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की. नेक्स्ट हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस. सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड बेटा 8th पॉइंट देखिए शाबाश चला देखा भाई. इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, फॉरेन बिजनेस इनकम फुली टैक्सेबल होती है और इसी वजह से ही इस पर टैक्स में रिलीफ मिलती है. इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके कितनी है? 80,000. और देखिए बेटा आपने बिजनेस इनकम के बारे में पढ़ा है, अगर कोई बिजनेस का लॉस होगा ना तो वो बिजनेस इनकम में से माइनस. आगे देखिए लिखा हुआ है टैक्स पेड इन यूके, इसके बदले में उसे टैक्स रिलीफ मिलती है. बाहर के मुल्क भी उसे टैक्स ले लिया गया है, पाकिस्तान में भी आप उस पर टैक्स लगा देते हैं, हम इसके बदले में उसे टैक्स में रिलीफ देते हैं. बेटा यहाँ तो लिखा हुआ जी लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस, तो ये भी रूल याद रखें, पाकिस्तान सोर्स बिजनेस में से लॉस होगा ना तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम या किसी भी किस्म की इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें से माइनस हो जाएगा. अगर लॉस होता किसी गैर मुल्की बिजनेस से, इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके से, तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी. तो ये लॉस हो गया जी पाकिस्तान बिजनेस से उसको इनकम में से माइनस कर लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस. कितना बेटा लॉस? 10,000. तो बिजनेस का गेन कितना बचा? 30,000. वो टैक्सेबल होगा. 30,000 गेन बचा बेटा, वो क्या हो जाएगा? आउटर कॉलम में आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा.
इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस। जो टैक्स पेड इन यूके लिखा हुआ है इसके बदले में आपने उसे एवरेज टैक्स क्रेडिट देना है, टैक्स में रिलीफ देनी है। तो भाई उसके बाई के बदले उसे टैक्स दे दिया गया, आपने भी टैक्स लगा दिया, आपने कैसे टैक्स लगा दिया, आपने उसकी इनकम टोटल इनकम में शामिल कर दी है, जब टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा जी बेटा। उसके बाद और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस, और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है तो टैक्स आईडी किसकी देनी है आपने? कैपिटल गेन। सेक्शन 37 कैपिटल गेन में देखिए बेटा कौन कौन से आइटम है। ट्वेल्थ नंबर आइटम है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल या डिस्पोजल एक ही बात है। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा कितनी से कितना गेन है इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके? प्रॉपर्टी का चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाए कंस्ट्रक्टेड हाउस हो उसकी वैल्यू अगर 50 लाख तक है ना बेटा उसका टैक्स 5% है। डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितना बेटा? 35। डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी बेटा 35,000। अब क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड कितना लिखा हुआ है? लेस देन 1 ईयर, तो ये फुली टैक्सेबल है। उसके बाद बेटा गेन ऑन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर को बेचकर गेन हुआ है 50,000। लिस्टेड कंपनी शेयर्स कितना गेन है बेटा? 50,000। होल्डिंग पीरियड क्या है इसका? आफ्टर कि कब इसको बेच दिया आपने? आफ्टर 1st जुलाई 2020। इसका एक्वायर्ड आफ्टर का मतलब क्या हुआ? इसका होल्डिंग पीरियड क्या हुआ है? 1 साल से कम है तो ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल किस रेट के मुताबिक? सेपरेट ग्रॉस ऑफ इनकम के तहत एट द रेट ऑफ 15%। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बेटा जो बेच कर गेन होता है उस पर 15% टैक्स है, ये याद कर रहे हैं आप। वैसे तो इसके कई ब्लॉगें पढ़ेंगे अगर 1 जुलाई 2013 से पहले था तो एग्जेम्प्ट है, 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2016 तक हुआ तो ये टैक्सेबल होगा। उसके लिए फिर कंडीशन भी थी 2016 के बाद अगर आपने खरीदा है तो फिर उसके लिए रूल था। जी सर, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को जब बेच कर गेन होगा तो आप ये अंडरस्टूड समझें तो उस पर 15% टैक्स ही होना है। ये पूरे समय मेरी का है अभी तो ये याद करना है ना वो करना है। उसके बाद बेटा नहीं होगी।
क्योंकि आपकी इनकम 10 लाख आ जाता है, सबसे ज्यादा आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा कितना एप्लीकेशन फीस अलाउ नहीं है। उसके बाद ज़कात, उसके बाद ज़कात रखने है कि आपके पास ज़कात करके माइनस कर दें 62,800 ये माइनस कर दी। वर्कर वेलफेयर फंड नहीं है और प्रॉफिट ऑन डेट है आपके पास, मार्क आपको लोन बुक पे ध्यान रखने पहले आ रहा है, मार्क लोन मार्क आपके पास है जी हाउसिंग फाइनेंस का कितना जी मार्क हाउसिंग फाइनेंस 83,000 ये भी माइनस होना चाहिए। एक और बात है चिल्ड्रन एजुकेशन फीस की जो रिक्वायरमेंट है ना वो 15 लाख रुपया थी सीनियर सिटीजन की, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस की रिक्वायरमेंट कितनी थी 15 लाख, हमारी इनकम 15 लाख से कम है, यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन फीस की रिलीफ भी देनी है हमने। अच्छा उसके बाद क्या था ज़कात डेबिट के बाद क्या था मार्क अप लोन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि आपने घर खरीदना हो या घर की तामीर करनी हो कंस्ट्रक्शन, जो कर्जा आप लेते हैं उस पर जितना भी इंटरेस्ट देते हैं मार्कअप देते हैं वो यहाँ पर अलग करके आप उसे माइनस कर सकते हैं। घर रेनोवेशन के लिए नहीं, घर बनाने के लिए या प्लॉट जो घर बनाने के लिए आप खरीदते हैं 83,000 माइनस होगी। उसके बाद बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस के हवाले से आपको याद होगा मैंने ज्यादा 3 अमाउंट कैलकुलेट करनी है, या तो फीस का कितना ले रहे हैं 2 लाख रुपया फीस है, इसका 5% है वो आएगा 10,000। सबसे पहले ये लिखें, सेकंड लीजिए जो टैक्सेबल इनकम है 14,33,000 इसका 25% है, 3 अमाउंट आ गई, इन तीनों में से जो कम वाली रकम होगी ना वो आपको इजाजत है कि टोटल इनकम में से माइनस करने, 10,000 तीनों में से कम है 10,000 माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो ये 3 अमाउंट बेटा माइनस होंगी, ज़कात डिडक्शन माइनस होगा, मार्क अप प्रॉफिट ऑन डेट मार्क अप ऑन हाउसिंग फाइनेंस माइनस होगा और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस माइनस होगी। माइनस करने के बाद बताएं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी आती है, 12,77,200। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम पीओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो शेयर मिलता है आपको, शेयर फ्रॉम पीओपी बेटा बताएं कितना है, 13,42,000 फर्स्ट स्टेप क्या है इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा आपने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, रेट पर्पस वाली जब इनकम आ जाएगी तो आपने डबल लाइन लगा देनी है क्योंकि यहां से कंप्यूटेशन शुरू हो जाएगी, इस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे साहब, टैक्स रेट का टेबल देखिए शाबाश और देखकर बताएं मुझे सब लोग कि किस स्लैब में आ रहा है इनकम, किस स्लैब में आ रही है,
₹800 वो बाहर के मुल्क कैसे कराया, 988 हमने पाकिस्तान में लगा दिया। मेरा रूल ये है, टैक्स क्रेडिट ये कहता है कि जो काम वाली रकम है ना वो उसे माफ कर दें, टैक्स क्रेडिट दे दें, टैक्स पे लाए टैक्स क्रेडिट से दे दिया बेटा हमने। ये था बेटा फिफ्थ स्टेप, सॉरी फिफ्थ स्टेप था बेटा। सिक्स स्टेप क्या है, एवरेज रिलीफ। इस क्वेश्चन में एवरेज रिलीफ भी है, टैक्स में और छूट देनी है, एवरेज रिलीफ देनी है। तो पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन सी अमाउंट पर रिलीफ देनी है। तो बताएं साहब किस किस अमाउंट पर रिलीफ बनती है, इसकी सिर्फ कंट्रीब्यूशन बताए प्रो पेंशन फंड नजर आ रहा है मुझे तो, और पे देखें बता जिस पर एवरेज रिलीफ देनी हो। एवरेज रिलीफ किस पे देते हैं, बताए इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर पर, लाइफ इंश्योरेंस पर, स्कूल्स पर, इन तीनों में से एक पर। दूसरी आइटम कौन सी होती है, डोनेशन टू द अप्रूव वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तीसरा किस पे होती है, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, वो है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही चीज है। उसके बाद चौथी चीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस, वो नहीं है इस क्वेश्चन में। एवरेज रिलीफ से इसमें देनी है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड। बेटा
75,000 आ गया। यहाँ तक आपने सेपरेट ब्लॉक इनकम के टैक्स भी लिख दिए, नेट टोटल टैक्स पे।